चेहरा वही मीठी आवाज, वही दुलारी चेहरा वही मीठी आवाज, ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल हम मिले आज बरसों बाद। वही शाही रवैया वही प्यारा अंदाज, सब फीके हैं तेरी खूबसूरती के आगे, चाहे लिखूं तुझे कैटरीना चाहे बुलाऊं तुझे मुमताज। चलिए बचपन में सबने इश्क तो किया ही होगा, कुछ लोग तो अभी भी कर रहे हैं। यार मेरे हिसाब से बचपन तो कभी खत्म नहीं होता। तो कुमार भैया कहते हैं ना, जब तक आपकी मस्ती है तब तक आपकी हस्ती है। तो इश्क तो किसी भी उम्र में हो सकता है। मुझे पहली बार 5th क्लास में हुआ था। हाँ पहली बार 5th क्लास में हुआ था और मैं सोच रहा था कि जिससे इश्क हुआ है वो राखी आए और बांधे, क्योंकि वो ऐसे था ना 5वीं क्लास वाला इनोसेंट था। चलिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, एक रचना, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगा, तो देखिए ना पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो आप ही कहो। नहीं नहीं पसंद आई तो वन स्मॉल भैया रिकॉर्ड हो रहा है ना, इनको पहले भेजना। एक हकीकत जो तुमको सुनाता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए ना लिरिक्स को, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग चले जाओगे बचपन में, जिसको मिली एकदम, जिसको मिली वो शादी से पहले वाले में, जिसको नहीं मिली वो और पहले वाले में। एक हकीकत जो तुमको सुनाता हूँ मैं, इश्क आज भी अपना जताता हूँ मैं, क्या हुआ जो मोहब्बत अधूरी रही, खुद से तेरा भी इश्क निभाता हूँ। एक हकीकत जो तुझको सुनाता हूँ मैं, जिंदगी की ये राहें अलग हो गई, बिन शुरू हुई वो बातें खत्म हो गई, तुमसे अक्सर जो सपनों में मिलता हूँ, इस कदर ये तन्हाई मिटाता हूँ मैं। एक हकीकत जो तुमको सुनाता हूँ मैं, क्या वो दिन थे मोहब्बत जो तुमसे हुई, क्या वो दिन थे मोहब्बत जो तुमसे हुई, बिछड़न की तड़प से बगावत हुई, क्या हुआ जो नती तू लकीरों में, क्या हुआ जो नती तू लकीरों में, दिल में तेरा चित्र सजाता हूँ मैं। एक हकीकत जो तुमको सुनाता हूँ मैं, तेरी यादों में सुबह कब शाम है, तेरा होना मेरा अब भी अरमान है, सोचना तुम मेरी तरफ से कभी, ये बताया अपनी खोई हुई मोहब्बत को, कि सोचना तुम मेरी तरफ से कभी, डूबा यादों में चेहरा हंसाता हूँ मैं। एक हकीकत जो तुमको सुनाता हूँ मैं, आखिरी बनती है तो इसमें विचार हो रहा है फिर से, आज सुन ले मोहब्बत का इजहार तू, मर भी जाऊं तो मेरा ही है प्यार तू, क्या हुआ जो मैं तुम हम ना हुए, क्या हुआ जो मैं तुम हम ना हुए, रूहानी इश्क का गीत गाता हूँ जो तुमको सुनाता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय की बात चल रही थी आज सुबह, तो मेरी सबसे पहली पोएट्री जो मैंने चाय में लिखी थी बहुत सारे चाय के शौकीन है, मुझे लगता है कि ये जो शायरी सेगमेंट है ना, जितने भी पोएट्स हैं वो चाय से जरूर प्यार करते हैं,
अब वो कुछ लोग कॉफी पे आ जाते हैं या जो भी है कुछ, बट मेजोरिटी चाय से करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने चाय पे लिखा था, बड़ा इंग्लिश हिंदी का मिक्स थोड़ा सा अल्फाज है, अच्छा लगेगा आपको सुनिएगा, कि चाय इश्क है, चाय इश्क है, कॉफी इज डेट, चाय इश्क है, कॉफी इज डेट, चाय सिर्फ खास के साथ, चाय सिर्फ खास के साथ, कॉफी विद एवरी मेट। चाय का अंदाज वही, स्वाद वही, चाय का अंदाज वही, स्वाद वही, कॉफी हैज मल्टीपल फ्लेवर्स एंड टेस्ट। बहुत बढ़िया। तो आखिरी लाइन है कि चाय का इंतजार महंगा, चाय का इंतजार बड़ा मुश्किल रहता करना, कि चाय का इंतजार महंगा, नो प्रॉब्लम दिस कॉफी इज लेट। क्या बात। एक आखिरी चीज सुनाऊंगा सावन के ऊपर, सावन भी चल रहा है तो सीजन के हिसाब से ही चलना चाहिए। मौसम का मिजाज सावन में बदल रहा है, आसमां भी खुले दिल से बरस रहा है, मौसम का मिजाज सावन में बदल रहा है, आसमां भी खुले दिल से बरस रहा है, बस एक नजर हो जाए तेरा दीदार, उससे मिलने के लिए दिल कई सावन से तरस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।